ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा हो जाएगा। बाकी कोई डबल डबल तो नहीं होगा ना, यहीं से आएगा सारा लिखा हुआ या यहाँ से आएगा? सारा आएगा ना। चलो हैंडआउट सभी के पास है ना? JICL के भी दे दिए थे मैंने टॉट के। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोगों ने सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है? और सैलरी के चैप्टर के अंदर मुझे ये बताओ हमने क्या क्या कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्टर नया लग गया क्या? हाँ देखो, प्रोजेक्टर भी लग गया नया, अब क्लियरिटी आएगी। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट की, ठीक है ना? हाँ जी। तो सैलरी कैसे कंप्यूट करते हैं सर? सैलरी लेंगे, इसमें प्लस करेंगे अलाउंस, इसमें प्लस करेंगे परक्यूसिट्स। आपके पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी और इस ग्रॉस सैलरी में से क्या करना है? तीन डिडक्शन करनी है जो कि अंडर सेक्शन 16 के अंदर बताई गई है। और पहली जो डिडक्शन है 16(1)(i) के अंदर है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 50,000 रुपए की, 50,000। और 50,000 रुपए और ग्रॉस सैलरी, और क्या? ग्रॉस सैलरी, विच एवर इज लोअर, लोअर लोअर, विच एवर इज लोअर। देखो आपके पास पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर, ठीक है जी? वो पैसा आपका क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगी उसकी। दूसरी डिडक्शन किसकी है? वो 16(i) के अंदर है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। खास बात क्या है इसकी? ये ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलना है और किसी को नहीं मिलना। और लास्ट है 16(3)(i) प्रोफेशनल टैक्स। फिर जाके आपके पास क्या आ जाएगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी आपके पास निकल के आ जाए। यहां पहुंचना है हमें, ठीक है? यहां पहुंचना है हमें, और जिसमें से हम लोग सैलरी वाला पार्ट कर चुके हैं, ठीक है जी? हम लोग अलाउंस के अंदर बात कर रहे थे। अलाउंस में हमने क्या कर लिया? ग्रेजुटी कर लिया है। ओ सॉरी, सैलरी के अंदर, वेरी गुड, सैलरी के अंदर किया हमने, ग्रेजुटी कर लिया है, पेंशन किया था इसके अंदर, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स किए थे, लीव इन कैशमेंट किया था, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लीव इन कैशमेंट, ये वाले टॉपिक क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। अलाउंस के अंदर आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि हमने नहीं किया था लास्ट क्लास में, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अलाउंस से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
अलाउंस जो दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है आपको, पेज नंबर 10 पे अलाउंस गिवन है आपके पास। पेज नंबर 10 ये राजी अलाउंस, ठीक है। तो अलाउंस क्या था, अलाउंस क्या था? वेरी गुड, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देगा, कैश में देगा बेटा या काइंड में देगा? वेरी वेरी गुड, क्या बात है। तो कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है, और ऑफिस पर्पस के लिए होगा या ये और कर लेना ना, ये ऑफ नहीं है, ठीक है। ऑफिस पर्पस के लिए होगा या प्राइवेट पर्पस के लिए होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सबसे पहला हम लोग जो करने जा रहे हैं उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किए गए अलार्म्स। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड किए गए अलार्म्स, ये आपके सेक्शन अंडर सेक्शन, वहां पे सेक्शन लिखा 10-14 के अंदर कवर, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला अगर आप देखोगे तो ऑफिस, इसमें दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ये वाली, एक डॉटेड वाली नीचे जा रही है। इसका मतलब 10-14 के अंदर कितने हैं, दो अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड है, एक ऑफिस वाले, एक ऑफिस पर्पस और दूसरा प्राइवेट पर्पस। इसलिए मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया इसे, ऑफिस और प्राइवेट। ऑफिस में आ जाओ, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, आउटसाइड द सिटी, ठीक है ना। और डेली अलाउंस क्या होता है, जो विद इन द सिटी दिया जाता है। डेली अलाउंस क्या है, विद इन द सिटी आपको दिया है? फिर बोला करो ना, वो तो कन्वेंस अलाउंस है जो विद इन द सिटी दिया जाता है आपको। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रेजिडेंस से घर, घर से ऑफिस, ये क्या है डेली अलाउंस, ये भी आउटसाइड द सिटी है। जहां आप होटल में गए, होटल आपके लिए बुक हुआ होगा ना, ट्रैवलिंग का मतलब तो क्या हो गया, आउटसाइड द सिटी, जो आपके ट्रैवल का खर्चा है। अब वहां पे खाने पीने का खर्चा, श्वेता, वो सारा जो आपका खर्चा हो रहा है वो क्या वहां का डेली अलाउंस है। तो ये दोनों के दोनों आउटसाइड द सिटी है, एक ट्रैवलिंग के लिए और एक डेली आपका स्टे के लिए, इस तरीके से। गरिमा, गुड, कन्वेंस हो गया। हेल्पर अलाउंस पता ही है हेल्पर क्या होता है, ठीक है। एकेडमिक अलाउंस हो गया, केजरीवाल को पढ़ने के लिए भेजा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना। उसी तरीके से यूनिफॉर्म अलाउंस, मारुति कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनीज, आप एप्पल के शोरूम में चले जाओगे या ब्लैकबेरी के शोरूम में चले जाओ, वैन हुसैन, तो वो लोग वही ड्रेस पहन के रखते हैं। वो कौन देता है, उनका एम्प्लॉयर देता है उनको, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया। अब कितना पैसा इसमें से क्या होने वाला है, सेक्शन 10 का मतलब ध्यान से सुनना, पूरे इनकम टैक्स में सेक्शन 10 जहां लिखा होगा मेगा, उसका मतलब क्या है, आपका जो पैसा है वो क्या कर रही है, सरकार एग्जम्प्ट कर रही है। तो सेक्शन 10 पूरे इनकम टैक्स के लिए क्या है, जहां पैसा एग्जम्प्ट किया गया टैक्स में, टैक्स आपका माफ किया गया। कितना टैक्स यहां पे माफ कर रहा है, यहां पे कितना टैक्स यहां पे माफ कर रहा है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड, विच एवर इज लोअर। तो कितना पैसा आपको रिसीव हुआ, ठीक है जी, आपको यूनिफॉर्म के लिए मान लो पैसा रिसीव हो गया 2000 रुपए, और आपने खर्चा कितना किया यूनिफॉर्म बनाने में, 1500 रुपए का खर्चा किया। तो विच एवर इज लेस, 1500 रुपए, ये 1500 रुपए क्या हो जाएंगे, आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 10-14। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है सबको? तो ये चीज का ध्यान रखना, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट
रिसीव्ड कितना है और अमाउंट स्पेंड, वेरी गुड, खर्चा कितना कर रहे हो आप, विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलो अगला आ जाते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड के अंदर ही है, पर क्या है, प्रिस्क्राइब्ड के अंदर ही है शिखा, पर ये प्राइवेट पर्पस के लिए। ठीक है, और इसके अंदर देख लेते हैं, तो सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहे हैं। मार्क करें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, पास्ट एग्जामिनेशन के अंदर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा है इसका, तो पास्ट एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ लो एक बार सारे बच्चे, ओन रीडिंग कर लो, फिर मैं बात करता हूं आपसे कि आपने क्या पढ़ा क्या समझा। हाँ जी, कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कॉपी में लिखो, देख लेते हैं आपको कितना समझ में आ गया, क्वेश्चन देते हैं, जोश में हो आप, बहुत बढ़िया, सेंटर में लिखें जी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दो पार्ट में डिवाइड कर लें इसे, इंपॉर्टेंट है इसलिए चार्ट बनवा रहा हूं, क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पर चाइल्ड, अंडरलाइन पर चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पर चाइल्ड वाली कहानी, बस अपने दिल के अंदर वो बात रखें। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिर देखते हैं आप बताते हो या नहीं बताते। ये अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया, मेहनत कर लो बस, खुशी हमेशा रहनी चाहिए, हमारी क्लास में कोई खुशी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है इसने, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, दूसरा लिखा है 100 रुपए मिलेंगे पर मंथ, पर इसमें कहानी इतनी खतरनाक है कि पर चाइल्ड, पर चाइल्ड, और उससे भी खतरनाक कहानी क्या लिख दी है कि मैक्सिमम हम तो 2 बच्चों के देने वाले, तो मैक्सिमम हम 2 देंगे, वो 2 चिल्ड्रंस के देंगे। तुम ना थोड़ा मेरे शॉर्टकट ना जल्दी जल्दी पिकअप कर लो, वरना मुझे कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड पर चाइल्ड, और यहां क्या है भाई, 100 रुपए मिल रहे हैं पर चाइल्ड, पर मंथ मिल रहे हैं, पर मैक्सिमम 2 बच्चों के मिलने पैसे, और इन दोनों में विच एवरेज लोअर, तो इन दोनों में जो विच एवर क्या होगा, लोअर होगा, ये कहानी। तो क्वेश्चन पूछे, सबको पता लग गया, चलो जी सबको पता लग गया, अब पता लगेगा कितना पता लगा है आपको। ठीक है, कितने बच्चे ले एम्प्लॉय के, किसके बच्चे हैं, एम्प्लॉय के, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लो जी 3 बच्चे, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाला, 3 बच्चे हैं किसके,
एम्प्लॉय के। पैसा कौन दे रहा है, कितने दे रहा है? 100 रुपए लोगे? 150 रुपए ले लो, क्या दिक्कत है? वो 150 रुपए दे रहा है पर मंथ, पर मंथ पर चाइल्ड। आपको बताना है कितना पैसा एग्जम्प्ट होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, निकाल लो पहले सारे, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, कौन है हमारी क्लास का विलन। आ जाओ, 2400 की बोली आ चुकी है, 2400 और कोई बोली में है कतार में ऑक्शन? देखो मैं बता देता हूं, पहले तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो वो कितना है भाई, 150 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में 3, कितना आ रहा है? बेड़ा गरक। श्वेता नहीं पता लगा अभी 3 क्यों आया? कितनों को नहीं पता लगा अभी भी? ईमानदारी से, अपनी क्लास है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। 3 बच्चों के दे रहा ना पैसे, पर चाइल्ड लिखा तो है, तो एक बच्चे के कितने हुए 150 रुपए, तो 3 बच्चे के कितने हुए 450 रुपए, और साल में अभी तक 12 ही महीने चल रहे। अरे भाई यहां जो बोला गया टैक्स में, यहां क्या बोला गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये एम्प्लॉयर ने कितना दिया एक्चुअल में, ये अलग कहानी है ना, ये वाली कहानी अलग है। ये सरकार एक लिमिट लगा रही है आपके ऊपर, रिस्ट्रिक्ट कर रही है आपको, क्या अपनी मणधनन कहानियां, गवर्नमेंट प्राइवेट, क्या है ये ड्रामा, कहां लिखवाया मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट? कोई भी बच्चा हो, किसी का भी हो, ये क्या सरकारी बच्चा प्राइवेट बच्चा, ये कहां से आ गई कहानी अपने आप ही। कितना आ रहा है ये, 5400, 5400 रुपए। और नालायकों ये देखो, 100 रुपए मल्टीप्लाई में, अभी रिपीट करूंगा आर्यंश, मल्टीप्लाई में कितने बच्चे, 2 बच्चे, महीने 12, 2400 बनेगा ये। ये मैक्सिमम लिमिट हो गई, मतलब समझ गए ना, इससे ज्यादा पैसा कभी एग्जम्प्ट नहीं करा पाओगे। विच एवर इज लोअर, 2400 रुपए, वो चांस ऑफ द मैटर कि आपने आंसर सही बताया 2400 रुपए। पर अगर मैं पूछता टैक्सेबल कितना, तो टैक्सेबल में क्या होता, रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना है और एग्जम्प्ट कितना है। अच्छा, आर का मतलब क्या है, पूरी क्लास में सुन लो कान खोल के, शिखा को छोड़ के, आर का मतलब है रिसीव्ड और ई का मतलब है एग्जम्प्ट, और एग्जम्प्ट कितना है, तो टैक्सेबल कितना, और टी का मतलब है टैक्सेबल, 3000। तो ये गलत आ जाता आपका टैक्सेबल वाला, और इसके बाद डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन, बस एक बार आर्यंस को समझा के, फिर भी किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछे जल्दी से। बेटा अच्छा, मेरी बात को कोई अदरवाइज तो नहीं लेगा ना, मैं ऐसे ही मजाक करूंगा आपके साथ, कोई भी नहीं लेगा ना, सब मेरे साथ है ना, गुड प्रगति। ये बच्चों की तरह मत करो सर, इधर वाला उधर वाला, लिमिट बोलो क्या। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ और कुछ क्या बोलना चाहते हो? बस मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार कह रही है 2400 रुपए मैक्सिमम एग्जम्प्ट करेंगे प्रिया, इससे ज्यादा पैसा एग्जम्प्ट नहीं करने वाले, ये सरकार कह रही। देखो क्या कहानी है आपको बताते हैं, पेज नंबर 10 निकाल लो अलाउंस, और पेज नंबर 10 पे आर्यंस अगर आप देखेंगे तो अलाउंस के अंदर ये वाला अलाउंस आपके सामने, गिवन फॉर प्राइवेट पर्पस, ये देखो आपके सामने गिवन फॉर प्राइवेट पर्पस, पहला ही अलाउंस किया है अभी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक, अब देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए आर्यंस क्या कहता है, ये कहता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इधर देखो इधर एक्चुअल अमाउंट कितना आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ,
तो मैंने इनको क्वेश्चन दिया कि भैया एम्प्लॉयर ने 1500 रुपए दिए पर मंथ पर चाइल्ड, तो एक्चुअल में मिले कितने पैसे? 1500 रुपए पर मंथ मिले, 12 बच्चे कितने एम्प्लॉय के? 3, तो टोटल पैसा कितना हुआ उसका? 5400, 5400 रुपए। बोलने बड़ा अच्छा लग रहा है, तो 5400 रुपए। ठीक, सरकार लिमिट क्या लगा रही है मेगा? सरकार कह रही है श्वेता 100 रुपए देंगे पर मंथ पर चाइल्ड, पर भाई मैक्सिमम 2 बच्चे। सर इसका मतलब क्या, एम्प्लॉय के 2 ही होने चाहिए, हम 2 हमारे 2? नहीं भाई, कितने हो उसके? 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ, तुम्हें क्या दिक्कत है जिसके हैं? तो मैक्सिमम सरकार ने लिमिट लगा दी, हम 2 बच्चों तक का पैसा एग्जम्प्ट करेंगे। इसका मतलब ये याद करके जाओ कि इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 2400 रुपए, इससे ज्यादा पैसा एग्जम्प्ट नहीं होता। सारे टीचर भी बच्चों को यही याद कराते हैं, मैं भी आपको यही याद करा रहा हूं, आप भी यही याद करेंगे। बट एक खतरनाक चीज है इसके अंदर, हेडल है आपके लिए, क्योंकि मैं इसके बाद जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो सीधे डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आप में से कोई जवाब दे पाता है या नहीं। वैसे मुझे पता है सबका आंसर गलत आएगा। और जवाब क्या देने हैं? एग्जम्प्ट कितना और टैक्सेबल कितना, ई और टी बताना है आपको। ठीक है, शिखा को मुझे लगता है मतलब पता लग ही गया होगा, आर ई टी का मतलब क्या है। ठीक है, चलो जी, अरे छोड़ो ना, क्लास आ जाएगी आपके पास। मेरा तो ये कि आपको देखो अच्छे नंबर दिलाने में हर क्लास भेज दिया करूंगा। देखो भाई मेरा क्या जा रहा है, नंबर अच्छे आने चाहिए, बस कहानी खत्म। तो लिखो जी एग्जाम का क्वेश्चन, लिख भी लेना एग्जाम का। अच्छा, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मतलब मेरे को बस ये पता है कि एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, वो फिगर अलग हो सकती है। ठीक है, बाई चांस फिगर भी सेम हो जाती है, क्योंकि सबसे पहली बार यूट्यूब पे जब पहली बार 2014 में आपका एमसीक्यू पेपर आया, तो आपको पता नहीं होगा आपके सर के, मैंने क्या किया था मेगा, जैसे आप पेपर देके आए तो मैंने बच्चे, मेरा मतलब जो स्टूडेंट था वो मेरे घर के पास ही रहता था, तो वो पेपर देके आया, मेरे घर ही आया सीधे, और मेरे पास स्टूडियो बना हुआ है पूरा प्रॉपर, तो मैंने उसी टाइम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला, और सबसे ज्यादा मतलब व्यू उस पर हुए, क्योंकि बच्चों ने देखना था भाई क्या आंसर है। तो मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से फोन भी आए, सर इसका आंसर आपने गलत बताया है, ये वो, सर हम भी पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत। फिर मैंने तो क्या बताना था, कानून में देखो ये लिखा, मैंने थोड़ी ना बोला है, कानून में लिखा। तो लिख लेना एग्जाम के लिए, एग्जाम में आया हुआ है, पास्ट एग्जाम में। क्वेश्चन देखो क्या है, कितने बच्चे एम्प्लॉयर के? ओ देखो एम्प्लॉय के, देखा फंस गए, पहली बात यही फंस गए, देखो 3 बच्चे कहते हैं, चलो ठीक है 3 ही कर देते हैं, 3 का खेल ज्यादा पसंद आ रहा है इन्हें, नहीं नहीं 3 ही सही है यार। और एम्प्लॉयर कितने पैसे दे रहा है? 70 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड दे रहा है, इतना ही क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से बस, है ना? और मुझे क्या बताओगे, एग्जम्प्ट कितना, टैक्सेबल कितना? एग्जम्प्ट निकाल दो, टैक्सेबल निकाल दो, देख लेते हैं किसमें कितना है दम। कोई तो फंसा जाल में, गलत आंसर है ये, बच्चों को क्या है एमसीक्यू में ट्रिक खेल लेते हैं ये कहानी, उनको भी पता है इन्होंने यही ड्रामे करने बच्चों ने। 2600 रुपये एग्जैक्ट, हाँ। तो देखो लिमिट पहली वाली क्या थी, अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा आपको मिला, 70 रुपए आपको मिले।
कितने बच्चे? 3 महीने 12, कितने पैसे हुए? 2520। और दूसरा 70 इंटू 12 बोला, 12 हाँ, साल में तो 12 ही महीने होते हैं, और इंटू में क्या? 2। हाँ वेरी गुड, तो कितना आ रहा है ये? क्या बात है, तो ये पैसा एग्जम्प्ट है। और टैक्सेबल कैसे निकलेगा? रिसीव्ड एग्जम्प्ट। कितना टैक्सेबल आएगा? तो यहां पे मेगा कह रही, सर मेरा पेट नहीं भरा, एक क्वेश्चन और पूछ लो। और अब एक क्वेश्चन और पूछूंगा फिर गलत आएगा, कईयों का सही आ जाएगा, जैसे इसका सही आया कईयों का, ठीक है? है? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पीछे पीछे बस। सब प्रिया भी कह रही है मैंने भी सही किया था सर। चलो अब देख लेते हैं, अब सबसे पहले मेगा बताएगी। आर्यंश का सही है, ठीक है, इसी में कर देता हूं चेंजेस, जिससे कि किसी को नोट करना हो तो वो अपना नोट करे आराम से। 3 की जगह 2 बच्चे कर दो, निकालना आंसर। हाँ अमाउंट अमाउंट सब सेम, अब बस 2 बच्चे हो गए। तो यहां पे जब 2 बच्चे हो गए तो यहां पे 2 आ जाएगा, और ये कितना बन रहेगा? 1680। तो यहां पे एग्जम्प्ट कितना? 1680। टैक्सेबल कितना? 0, निल। बस अब आ गया आपको समझ में, बच्चे कहां फंसते हैं? बच्चे इसी के अंदर फंसते हैं, और बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं मेगा। इस वाले में बच्चे एग्जाम में पता क्या करके आए? 100। यहां पे बच्चों ने 100 लिया, हाँ वो तो एक लिमिट है 100 की, उससे कम मिल रहा होगा तो आपको कम लेना है, आपने वो तो बट ऑब्वियस हो गया कि 100 से ज्यादा उन्होंने देना नहीं, तुम लो को भी ले भी लोगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और इस बात पे, एक ही बच्चा कर दो नालायक को, लो एक बच्चा कर दो। हाँ 840। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे कह रहे हमें सब समझ में आ गया है, तो मुझे एक डाउट आ गया, ये 170 कर दो और बच्चा एक ही है, ये 170 हो गया बच्चा एक ही है, ये निकाल दो देखते हैं, ये वाला देखते हैं। प्रगति बताएगी, मुस्कान आज क्लास में नहीं है। चलो देख लेते हैं, तो यहां पे 170 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 12 कितना? 20-40। इधर कितना लूं? 1 एग्जम्प्ट कितना और टैक्सेबल कितना? हाँ गरिमा गलत तो नहीं कर दिया था? करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे भी कई बार बच्चे क्या करते हैं मेगा, यहां 170 लेके चले जाते हैं, बेड़ा गरक, और उन्हें ऐसा लगता है अच्छा एक मिनट 170 लेता तो ये तो वही आ जाती फिगर ऊपर वाली, और उन्हें ऐसा लगता है कि 2400 रुपए जाता है मैक्सिमम, तो हमारा 2400 जा ही कहां रहा है, समझ गए? तो आपको ये गलती नहीं करके आनी। चले आगे, चलो जी अगला प्रोविजन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, पढ़ो और पढ़ के बताओ क्या समझ में आया। सर सेम कॉपी पेस्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बस जहां 100 रुपए है वहां 300 रुपए हो गया, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है। और ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस क्या है, आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है उसके लिए आपका एम्प्लॉयर। ट्रांसपोर्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लेना, मुझे ऐसा लगता है इस बार का जो पेपर होगा जून 2021 यही क्वेश्चन आएगा,
क्यों आएगा ये क्वेश्चन? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, हाँ अमेंडमेंट है, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस केवल जो बंदा हैंडीकैप है, डिसेबल है, उसके लिए है 3,200 रुपये पर मंथ, और ये मैक्सिमम लिमिट है। ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट है। आगे जी बात समझ में? तो जितना जितना उसका एम्प्लॉयर उसे पैसा देता है वो, और मैक्सिमम 3,200। अच्छा 3,200 को 12 से मल्टीप्लाई करके लिख ही लो, वहां पे कितना बन रहा है? 3,200 को 12 से मल्टीप्लाई करके, हाँ ये लिमिट ही याद कर लो सीधे कि ये मैक्सिमम लिमिट है। पर किसके लिए? जो बंदा फिजिकली हैंडीकैप है, डिसेबल है, उनके लिए ये लिमिट है। अगर कोई नॉर्मल एम्प्लॉई है उसके लिए भाई कोई लिमिट ही नहीं है, उसको जितना मिल रहा। अच्छा करेंगे क्या? बता देंगे रिलायंस का एम्प्लॉई है और बोल देंगे कितना मिल रहा है? 3,200 रुपये महीना, और उसमें एक आंसर ये लिखा होगा, ये पैसा एग्जम्प्ट हो जाएगा। बच्चे यही टिक। अरे भाई वो कौन है? एनी अदर में आ रहा है, वो डिसेबल तो है ही नहीं। वो जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हो डिसेबल तब तक ये लिमिट नहीं लगेगी, और ये लिमिट क्या है? मैक्सिमम है। तो उसे जो मिल रहा है वो, और ये लिमिट पूरे साल की, विच एवर इज लोअर। कहानी खत्म। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपये पर मंथ। असली में इसमें अलाउंस 8-10 है, पर मैंने ही 4 इसलिए लिखे क्योंकि पहले 3 तो है ही है इंपॉर्टेंट, पर ये चौथा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये क्या चीज होती है? जब बॉर्डर पे जाते हैं, ठीक है ना, तो वॉर के टाइम पे वो लोग अंडरग्राउंड ही रहते हैं। दूसरा, जो आर्मी वाले होते हैं उनको जब वॉर होती है तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। वॉर, लड़ाई लड़ने के अलग पैसे, अंडरग्राउंड रहने के अलग पैसे। तो यहां 800 रुपये पर मंथ उनके एग्जम्प्ट कर रहे हैं। कारगिल वॉर जब 97-98 की बात है, तो मेरे फादर को, जो हकीकत है मैं बता रहा हूं आपको, 1,000 या मतलब जो भी है 2,000 रुपये या 1,500 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिले उनको। देखा जाए तो कौन सी बड़ी अमाउंट है, पर 96-97 के हिसाब से लगता है कि बड़ी रही होगी। ठीक है ना, ये कहानी। उस टाइम पैसे की वैल्यू अच्छी थी, आप पैसे की वैल्यू खत्म कर दीजिए। अगला पेज देखते हैं जी, आगे क्या कहानी है। ओ मेरा फेवरेट, देखो सपनों का महल, ठीक है, और नाम लिख लो इसका, इसे तो लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिखो मत, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। नाम क्या है? हाँ, और प्यार से हम इसे क्या बोलते हैं? HRA। तो प्यार से तो हम लोग इसे HRA बोलते हैं, तो प्यार से हम लोग इसे HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। मतलब क्या होता है इसका? देखो दो बातें होती हैं, एम्प्लॉयर है, आप CS बन गए, आपकी ट्रांसफर हो गया मुंबई, उसने कहा हमारे पास कोई एक्यूमटेशन नहीं है कंपनी का कोई एक्यूमटेशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? आप किराए के मकान में रहोगे। भाई फुटपाथ पे थोड़ी ना रहोगे, किराए के मकान में रहोगे। अब जब आप किराए के मकान में रहोगे तो आप पहले HRA चेक नहीं करोगे कंपनी कितना HRA दे रही है, हाउस रेंट अलाउंस कंपनी कितना दे रही है। तो आपने चेक किया कंपनी कितने पैसे दे रही है, मान लो कंपनी दे रही है महीने के 30,000 रुपये पर मंथ दे रही है कंपनी। अब जब आप मकान जाओगे ढूंढने के लिए किराए पे, तो कितने का मकान लोगे बताओ किराए पे? हाँ जी, कितने बच्चे कह रहे हैं 30 का लेंगे? कोई नहीं, 30 से कम वाला कौन है? इतने सारे नालायक हैं। कभी कभी कम का मत लेना, इतने का ले लो या इससे ज्यादा का ले लो, अभी प्रूफ करूंगा। क्योंकि अगर आप कम लोगे तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। पिटाई कैसे? सरकार कहेगी टैक्स दे दे, सरकार कहेगी टैक्स। अब मुझे बताओ टैक्स देने से अच्छा तो तुम क्या, अपने ऊपर पैसा खर्च हो ज्यादा अच्छा है, क्यों दे टैक्स? एक तो देखो क्या है, पढ़ना मेगा किसी चीज को और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। दूसरा क्या था कि आपकी जब मुंबई ट्रांसफर हो गया आर्यन, तो वहां पे बोल दिया कि हमारी कंपनी का एक्यूमटेशन है, ये रही चाबी, ये रहा फ्लैट नंबर, जाके वहां शिफ्ट हो जाओ। उसे बोलते हैं रेंट फ्री एक्यूमटेशन। आगे पढ़ेंगे इसको, RFA, ठीक है।
तो ये परक्विजिट्स के अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, परक्विजिट्स के अंदर आता है। तो परक्विजिट का मतलब ही क्या होता है कि एक हायर क्लास ऑफ एम्प्लॉय को कंपनी अपनी तरफ से कोई क्या कर रही है, बेनिफिट दे रही है। मुकेश अंबानी है, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, ले भाई तू सब कुछ ले, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी तेरी है। चलो तो इतना मतलब समझ में आ गया टॉपिक का मतलब क्या है। दूसरा, इसके अंदर जो अमेंडमेंट आई है, क्या बोला है सेक्शन, देखो दोबारा वही आ गया, कातिल सेक्शन बोलूंगा मैं तो इसे। अब हर जगह ये कत्ल करता रहेगा, और इसके साथ खून नहीं, इसके तो पता नहीं कितने खून माफ है, 115 BAC। और बड़ी जल्दी मैं सैलरी चैप्टर के बाद सोच रहा हूं कि ये सेक्शन आपको करवा दूं, उसके बाद करवाने से थोड़ा बेनिफिट भी रहेगा, आपको कई चीजें इसके बारे में पता लग जाएंगी। 115 BAC, BA पास, ठीक है नहीं, और उसके बाद सी है, देख लो BA पास करके लोगों के क्या क्या हालात होते हैं। तो मतलब ये सेक्शन याद रहे इसलिए मैंने ऐसे बोला, तो एक बाकी मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी से। तो 115 BAC, कई बार हम सेक्शन ही भूल जाते हैं, एग्जाम में क्या होता है लिखा हुआ आ जाता है BCA। अब वो हमारा ना वहां दिमाग असली में क्या, वही दिमाग खराब होता है, सर मैंने देखा ही नहीं वो 115 BCA लिखा था, अब मुझे लगा वो 115 BAC है, मैंने कर दिया उसके अकॉर्डिंग। क्या लिखा है कि जो ये सेक्शन है शैल नॉट बी अलाउड, ये सेक्शन नहीं मिलेगा आप अगर आपने 115 BAC लिया। क्या मैं बोल सकता हूं सेक्शन 10(13) कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू 115 BAC, या तो ये या तो वो। बेनिफिट्स, हाँ वो सब छोड़ने पड़ेंगे, पर इसमें क्या किया है थोड़ा सा मैं यहां पे हल्का सा और रोशनी डालना चाहूंगा, रोशनी भी कोई नहीं है हमारी क्लास में, रोशनी ये है यहां पे मेगा कि अगर इतना आसान होता कि 115 BAC अगर आप ले रहे हो तो सारे अलाउंस छोड़ने पड़ेंगे तो ये तो काम आसान हो जाता। काम कैसे आसान होता बेटा, फिर तो अगर हमें कोई अलाउंस दिखता और क्वेश्चन में बोला होता कि ये बंदा, अच्छा 115 BAC बना किसके लिए, इंडिसोल और HUF के लिए, तो भाई वो जो 115 BAC है वो कौन ले रहा है, हाँ इनको बोलना था यार ये ना इधर करना था, वो एक लड़की रिकॉर्डिंग देख रही है क्लास असली में डेली बेसिस पे, तो वो कहती सर आप ऐसे पढ़ाते हो तो ये स्क्रीन इधर इधर की तरफ आती ना, ये इधर आ जाए तो थोड़ा सा मेरे को ठीक लगेगा, नहीं समझे, वो मैं उधर आता हूँ वीडियो पे, आपने अगर देखी होगी तो इधर आएगा तो वो लगेगा कि हाँ चलो इधर ही जा रहा है, वरना बात में उधर कर रहा हूं पढ़ा इधर रहा हूं, देखा। तो ये जब कोई बच्चा देखता है तभी पता लगता है ना। तो ये कहानी क्या है 115 BAC की, सारे अलाउंस के लिए नहीं है, रोशनी जो मैं डाल रहा था वो क्या थी, ये सारे के लिए नहीं है आर्यंस, इसका मतलब कि सर ये बड़ा खतरनाक काम होने वाला है, मतलब कि मेगा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन से अलाउंस में 115 BAC मिलेगा कौन से में नहीं मिलेगा, और अलाउंस की भरमार है। अच्छा एक चैप्टर से लेना देना नहीं है 115 BAC का, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से भी लेना देना है, PCP में नहीं है, कैपिटल गेन में शायद देखना पड़ेगा, अदर सोर्सेस में देखना पड़ेगा, मतलब बड़ा पंगा है इसका। तो मैं क्या करने वाला हूं बाद में जब सैलरी चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे भी अलाउंस कंप्लीट करूंगा तो अलाउंस के अंदर बता दूंगा कौन से अलाउंस है जहां पे 115 BAC लग रहा है। लगने का मतलब कि अगर वो एम्प्लॉय 115 BAC लेगा तो ये अलाउंस विड्रॉ करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, फिर ये पूरे टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी है, करक्स में इतना ही जितना आर्यंस कहता है एक लाइन में, 115 BAC लोगे तो कुछ ऐसे अलाउंस हैं जो आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, इसका मतलब कि वो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। सर ये लिमिट भाड़ में गई, ये कोई लिमिट काम नहीं आएगी, ठीक है, जो पैसा मिला वो टैक्स, क्यों, उसने क्या ले लिया 115 BAC ले लिया। ये क्या 115 BAC, अल्टरनेटिव टैक्स रेजीम है, एक अल्टरनेटिव तरीका टैक्स पे करने का। चलो HRA देखते हैं क्या है, HRA इज एन अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर, बाकी आपको पता ही है किस काम के लिए दिया गया, ठीक, इसकी लिमिट बना दी है जी। कहता है आप कहां, ये देखो क्या लिखा है KCDM, तो KFC नहीं है KCDM, ठीक है ना, तो KCDM और अदर सिटीज,
मतलब कि केसीडीएम को छोड़ के। तो अगर कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ले ली इन्होंने, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर तीन लिमिट बना दी, ये मार्क कर लो ऐसे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, वहां पे आया नहीं है ऐसे, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर इन्होंने कितनी लिमिट बना दी, तीन लिमिट बना दी। पहला एचआरए रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड। एचआरए कितना मिल रहा था आपको, अभी हम बात कर रहे थे कितना एचआरए, 35,000 रुपए पर मंथ भाई, रेंट पेड। अब देखो आप सारे फंसोगे, कितना रेंट पे कर रहे थे, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का मकान आपने किराए पे लिया था, तो 30,000 ये आ गया। अच्छा पर मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये एच कहां से आ गया, ये हटा देना, पता नहीं कहां से आ गया, वो माइनस में क्या है, 10% ऑफ सैलरी है। अब सैलरी कितनी रही होगी इसकी, 10 लाख रुपए बहुत है, 10 लाख रुपए की सैलरी थी, तो 10 लाख का कितना परसेंट, 10%, कितना आ जाएगा, 10,000। अच्छा ये वाला पर मंथ है, तो इसे अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, है ना, कितना आएगा 12 से मल्टीप्लाई करके, 360,000। अरे ये 1 लाख नहीं हो रहा है, कैसे हो, कहाँ हो, कहाँ हो, वो देखो जोश में, देखो कितने पहले नहीं बोले, 260,000 रुपये, ये मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है, मैं यहाँ लिखने के लिए 260,000 ये आ गया जी। और पहले वाला कितना आ रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 35,000 मल्टीप्लाई में 12, 4 लाख, चोर है ये 4,20,000। और 50% ऑफ सैलरी कितना बन रहा है, 5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर बेटा। फर्स्ट वाला एचआरए रिसीव्ड कितना पैसा मिला, 35,000। फर्स्ट वाला तो हर किसी में आसान होगा, जितना मिला वो ले लो, 35,000 मिले, 4,20,000 बन गया। दूसरा 260 आ गया निकालना, तीसरा 5 लाख रुपए निकालना आ गया, विच एवर इज लोअर, वो पैसा क्या होगा, एग्जम्प्ट। और टैक्सेबल क्या होगा, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, करना रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट, एक लाख 60,000 रुपए टैक्सेबल। देख लो तुम्हारी प्लानिंग देखो, 30,000 रुपए का घर ले लिया तुमने रेंट पे, और 1,60,000 अपने टैक्स करवा दिए। तो ये जानना प्रिया जरूरी है, ये नहीं कि हमने बुकिश पढ़ लिया आर्यन हो गया जी, ऐसे नहीं यार, मैं आपको प्रैक्टिकल। अच्छा हाँ एक गुड न्यूज है, जो मेरे से बच्चे ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिखा ने मेरे से बात की थी, सिक्योरिटी लोग मेरे अभी दिमाग में आ गई, तो मैंने कहा बता दूं, जब तक आप बैच खत्म करोगे, अगर आपके पास कुछ सेविंग है पर्सनल, तो मैं आपके कुछ इनकम भी जनरेट करवा दूंगा, ज्यादा नहीं, महीने के 10,000 रुपए 15,000 रुपए कमा लोगे। अच्छा वो दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, जानबूझ के एक अपना अकाउंट नहीं खोलूंगा, मेरा है, बहुत लोग हैं मेरे साथ, तो मैं किसी एक बच्चे का अकाउंट खोलूंगा, ठीक है, मैं अपना अकाउंट नहीं खोल सकता भाई, मेरा टैक्स का वो हो जाएगा, ठीक है, तो मैं किसी और का अकाउंट खोलूंगा, फिर करके दिखाऊंगा, बाकी बताएंगे। तो देखो मैं मतलब जो पैसा ये लगाएंगे उतना ही पैसा मैं उस बच्चे से लगवाऊंगा, कल ये ना कहें, अच्छा मैं डबल लगा दूंगा, चलो कल ये ना कहेंगे सर मेरे 10,000 रुपए लगवा दिए डूब गए, मैं डबल लगा दूंगा 20, और वही शेयर्स जो मैं खरीदूंगा वही शेयर्स ये खरीदा करेंगे, और महीने का अभी छोटी इन्वेस्टमेंट है ना, तो 10,000 रुपए आ रहा है, 15 भी आ जाए महीने का, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया। करना इन्होंने कुछ नहीं है, सारा ऑपरेट मैंने करना है, वो तो बस मैंने इनको दिखाना है, देखो पैसा कैसे कमाया जाता है, 100% श्योर क्या हो, 200%, पर पैसा आपका होना चाहिए ना भी, कल ये ना कहो सर, अब मान लो कि कल वो आ जाए, कौन है हमारी आजकल फाइनेंस मिनिस्टर, अब वो कुछ ऐसा बोल दे जिस कंपनी के हमने शेयर लिए और असर पड़ जाए, फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जैसे वही वाली कहानी है कि कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से, अब जैसे मोदी जी की क्या होगी, फोटो आ गई जियो के साथ, तो भाई ये वोडा वोडा के सब रेट गिर जाएंगे, मोदी जी कुछ करने वाले हैं इनके साथ, हमारा कुछ
कोई भी मार्केट की ऐसी नहीं हो जिससे वो गिरा दे, उसमें मेरा थोड़ी ना कंट्रोल है कि मैं निर्मला सीतारमन जी के पास जाऊंगा, नहीं, सिखाने भी पैसे लगा रखे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये याद रखना, डूब भी सकते, जीरो भी हो सकता है वो पैसा। तो भाई तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए ना, एक तरफ तुम चाहते हो, समझ गए, एक तरफ तुम कह रहे हो मैं बोध ग्रुप दूंगी, रैंक भी लाना है, दूसरी तरफ तुम्हें यह भी डर भी लग रहा है, सर अगर बोथ में से एक भी नहीं निकला तो। तुमने स्कैम मेरे ख्याल से देखा नहीं, उन्होंने जहां, हाँ समझ गए, समझे कुछ? तो भैया अगर रिटर्न चाह रहे हो, हाँ रिटर्न चाह रहे हो, और फिर दूसरी तरफ खाई भी है तो कह रहे हो नहीं डर भी लग रहा है, तो डरना मना है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये लाइन हमेशा याद रखना। पैसा, अच्छा मैंने एक अपनी खुद की लाइन, पैसा वो लगाओ जिसकी आपको मरते टाइम पे भी जरूरत ना पड़े, फालतू पैसा होना चाहिए आपका वो, तो ये चीज है बेटा, ठीक है, अगर हो तो फिर लगाना। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो ये कह रही थी कर देंगे ऐसा, क्यों बच्चा बनना का सोचता है अरे यार सर ने तो लगाए नहीं, या अब मेरा अलग से चल रहा है वो कहानी अलग है, पर मैं एक चाहूंगा कि भाई मेरे असली में स्टूडेंट हैं कुछ खासम खास है, उनके अकाउंट खुलवा के लगवा देंगे, पैसे कहाँ जा रहा है, ठीक है, टैक्स में मैं नहीं फंसूंगा ना, वो भी नहीं फंसेगा इतना, थोड़ा बहुत टैक्स बनेगा हल्का फुल्का। चलो जी, तो ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अदर सिटी होती तो क्या होता, ये जो 50% है वो क्या हो गया 40%। मतलब मेरे कहने का मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ो तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। हमारी फैमिली में असली में एक है ऐसे, अब क्या बोलूं मैं, वो 93 के सीएस है, उनकी वाइफ द्वारका रहती है, वो वाइफ के साथ रहते ही नहीं, उनको स्टॉक मार्केट, बहुत बड़े ब्रोकर बन गए वो, उनको स्टॉक मार्केट से इतना प्यार है कि वो मुंबई जाके बस गए, कभी कभार आते हैं बस मिलने, ये कहानी भाई साहब। मेरे को लेके जा रहे थे, मेरे को उन्होंने ही लगवाया था लिस्टेड में, मेरे को लेके जा रहे थे जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मैंने मना कर, मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा कह रहे रह फिर दिल्ली में, ठीक है। तो ये कहानी है, तो बड़ा अच्छा है स्टॉक मार्केट, जिसको आ जाए भाई उसके लिए बड़ा अच्छा है, सीधी सी बात है, लोगों ने देखो कमाया भी है और डूबे भी हैं लोग, ठीक है, तो ये तो होता ही है। हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं होता, ये तो सूरज भी देखा है, कई बार वो भी बेचारा कहता आज नहीं निकल रहा, बताओ क्या करोगे, ये कहानी भी होती है। अब इसके अंदर एक हेडल था, हेडल क्या था भाई, सैलरी मैंने आपको बता दी थी 10 लाख रुपए, सैलरी का यहां पे स्पेशल मीनिंग है, आपको सैलरी निकालनी होगी। सैलरी कैसे लोगे, बेसिक सैलरी लेनी है, डीए लेना है। अच्छा डीए में खासियत क्या है, वो वाला पार्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हो, या एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट हो, या फॉर्मिंग पार्ट हो, बेसिक सैलरी, तीनों में से कुछ ना कुछ वर्डिंग आपको देखने को क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, अगेन कहूंगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मत लेना, ये आपके साथ क्या होता है, धोखा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने लिख के काट दिया, आप भी अपने नोट्स में लिख के काट सकती हो, वहां एग्जाम में दे दिया, आप भी जड़ा ज्यादा हो जाते हो, याद दी तो है कमीशन ले ले बस, और जहां आपने लिया बस वही, हाँ कमीशन, मतलब कमीशन में ये जो प्रॉफिट वर्ड लिखा है, प्रॉफिट लिख के काटना है, प्रॉफिट लिख के काटने का मतलब क्या हुआ, हाँ कि अगर क्वेश्चन कहे कि कमीशन तो मिल रही है 10% पर वो प्रॉफिट पे है, तो हमने लेनी नहीं, किसके लिए नहीं लेनी, जहां पे एचआरए के लिए हम सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां जब ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हो वहां तो सारी ले लो, कोई सी हो, टर्नओवर हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी दिया हो। ये भी सोचता क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे भाई ये एचआरए के लिए स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर बात बता रहे हैं, ग्रॉस सैलरी वाली बात थोड़ी ना कर रहे हैं यहां पे, कहीं मैंने ग्रॉस सैलरी वर्ड लिखा हो तो आप बताओ, तो कहीं भी नहीं लिखा। तो ये आ गया जी सैलरी आपका। अब कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को नहीं पता होती, मेगा बच्चों को प्रोविजन आता है, किसी बच्चे को पूछोगे प्रोविजन आता होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, सैलरी इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस, यहां पे ड्यू बेसिस पे सैलरी लेनी है, जबकि आपको पता है एडवांस सैलरी भी होती है ना, एडवांस, तो क्या यहां पे एडवांस सैलरी लेंगे, लिख के काट दो, क्या यहां पे एरियर ऑफ सैलरी लोगे, लिख के काट दो, हमें बस जो ड्यू हुई है वो लेनी है,
हमें जो सैलरी ड्यू हुई है बस वो लेनी है। एक क्वेश्चन पूछ लूं, सीए का क्वेश्चन है, एक्रू और ड्यू, कितने बच्चों को इसमें डिफरेंस पता है? नीचे लिख लेना एक्रू और ड्यू, कितने बच्चों को इसमें डिफरेंस पता है? चलो देख लेते हैं, सारा पता है या थोड़ा पता है। एक बंदे ने दो दिन काम किया, टू डे, दो दिन काम किया और एक दिन के जो उसके पैसे हैं वो 2000 रुपए बनते हैं। पर डे का जो उसका पैसा बनाया गया है वो 2000 रुपए। इसका मतलब जब अगर वो महीना काम करता है तो कितना पैसा बनता है? 60,000 ना। तो मैं बता रहा हूं आपको उसकी जो सैलरी है महीने की वो कितनी है? 60,000। अब ये मत बोलना सर महीना 28 का गया, ये चीजें मत किया करो, ठीक है ना। सर महीना 31 का चला गया। हाँ हम 30 दिन मान के चलते हैं, एक इन जर्नल काम करते। तो आर्यंस क्या है भाई, महीने की जो सैलरी है वो 60,000 रुपए, तो एक दिन की कितनी हो गई? 2000 रुपए। उसने दो दिन ही काम किया, एक महीने काम नहीं किया। आपको बताना है कितना पैसा उसका सैलरी का ड्यू है। हाँ दो दिन काम किया बस उसने, उसके बाद वो आया ही नहीं। हाँ जब दो ही दिन आया तो 28 दिन नहीं आया होगा। हाँ 4000 रुपए ड्यू होगा, बच्चा कह रहा है 4000 रुपए ड्यू होगा। कितने बच्चे कह रहे हैं 4000 रुपए ड्यू होगा? बड़ा झोले, बड़ा बड़ा झोल है। सीए का क्वेश्चन है, 4000 एक्रू है जो आर्यंस कह रहा है पीछे नालायकों, 4000 एक्रू है। ड्यू का पैसा तो बनता ही 60,000 होता है। ड्यू जो होता है वो महीने में होता है, ड्यू जो होता है वो महीने में होता है, एक्रू जो होता है वो डेली होता है। लिख लो, एक्रू जो होता है वो डेली होता है, ड्यू होता है जो मंथ में होता है। क्या अन कर लिया? हाँ 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 ठीक है। तो ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया उठा के, मैं देखना चाहता था कि आप लोगों ने जाके नोट्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो आपने कोई नोट्स नहीं पढ़े ना लाइकों, पढ़ लिया करो। सेक्शन 15 है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन। कहीं आप कहो सर ने हवा में बोल दिया, तो मैं दिखाना चाहता हूं, तो मैंने कोई बात हवा में नहीं की। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, ये देखो लिखा है यहां पे सैलरी ड्यू वर्सेस सैलरी एक्रू। क्या लिखा है? सैलरी ड्यू इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी एक्रू। और ये भी कोई पढ़ के नहीं आया, तो भाई ये नोट्स दिए हैं पढ़ाई कर लो। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बताया आपको, मैं रात को मतलब कहीं, वो मेरी चाची की तबीयत खराब थी, हम उनसे मिलने गए, वहां मैंने कुछ पकोड़े ये सब खा लिए। और मेरी क्योंकि मैं क्या है डिनर करके नहीं, मतलब वो लंच करके नहीं गया था, मैंने ये सब खा, वो खाने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा रहने दो यार खाना। और फिर मेरे ऐसे पेट में बहुत दर्द हुआ, फिर वो रात को 1 बजे दोबारा हो गया दर्द। अब मैं सुबह तक पागल ही होता रहा, क्लास कैसे लेने जाऊं कैसे लेने जाऊं। अब है फिर वो पुदीन हरा वाली वो गोली सी आती है, फिर वाइफ ने वो दी, ये लो, और पहले बता देते तो पहले खा लेते, सुबह तक ठीक हो जाता। अब मैं वहां से आके थक गया, मैं सुबह से काम पे लगा हुआ था आपकी बुक पे, और मैं तो संडे को ही निपटा रहा था इसे। मैंने कहा काश वहां नहीं जाना होता। अब वो कह रहे वो बीमार हुई थी, मतलब चल रही थी, तो पहले से डिसाइडेड था जाना है। मैंने कहा नहीं जाता, मैं आज ही कंप्लीट करता इसको, कोई नहीं अब होने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया। तो वही वाली कहानी है, मैंने वो सुबह उठने का प्लान था कि सुबह उठ के और कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट। तो ये लिखा है भाई, तो ये जाके ना पढ़ना भी है ये सब सीखा, ठीक है? कहीं एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये वर्ड आ जाए और आप इसे एडवांस सैलरी लेके सैलरी में ले लो, भाई ये लोन है,
ये सैलरी नॉट टैक्सेबल है, इज इट ट्रीटेड एज लोन, हैंस नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बताओ सैलरी में टैक्सेबल ही नहीं होना, ये अदर सोर्सेस में जाएगा सीधे। आ रही है जी बात समझ में, कोई डाउट है, समझे कुछ? जैसे ये सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं तो भाई शेयर मार्केट आप पढ़ रहे हो तो पता तो लगे पैसा कैसे लगता है, पैसा कैसे ग्रो होता है। आपको क्यों डाला है आपके सिलेबस में? इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, क्यों डाला है उसको सीखो तो सही आप। अच्छा, नेक्स्ट वीक से ना 1 घंटे की जीएसटी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 घंटे की नहीं होगी, उससे भी कम की होगी, इतनी होगी कि मतलब आपको ऐसा ना लगे किसी बच्चों को कि भाई बर्डन आ गया, इनकम टैक्स फिर जीएसटी फिर जेआईजीएल। अरे ये क्लास 2 घंटे का ड्यूरेशन है, तो हम जीएसटी क्या है 40 मिनट आधे घंटे, उससे क्या होगा, क्योंकि आपका पेपर, मैंने बताया ना मैं तो एनालाइज करता रहता हूँ भाई, आपका पेपर जून में 1 तारीख से डेट शीट आ गई है, पता है ना, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी तैयारी हो जाए पहले, लास्ट मोमेंट में आप कितना पढ़ लो। अच्छा दूसरा, मेरे जीएसटी के लेक्चर भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जैसा मैं एक हेल्प करूंगा कि भाई आप पहले से देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, और यहां आके जो मैं नया पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ तो कल मैं यही सोच रहा था कि कायदे से देखा जाए तो हमारे पास 2 ही महीने 1 महीना तो रिविजन में निकल जाएगा। चलो जी, अब डरो मत, काम के ऊपर फोकस किया करो, डर जाते हो बड़ी जल्दी, पैसे लगाने वाले डूब जाएंगे। हाँ भाई फिर रहने दो, चलो हट छोड़ो भाई, कल हो जाएगा, अगली क्लास में सिलेबस खत्म है। तुम सिलेबस के ऊपर, मई में होगा सिलेबस, तो तुम ये रखो कि जितना हो रहा है उतना करते चलूं, बस ऐसे कर लूं कि कोई कल बोल दे मुझे टेस्ट लेना है, लो जी कोई दिक्कत नहीं है। ये मीनिंग ऑफ सैलरी क्लियर है, पॉइंट टू रिमेंबर। अगला वाला देखो, मैंने लिखा भी हुआ है एडवांस और एरियर को नहीं लेना, मैंने लिख दिया, मुझे पता है कहीं नालायक बच्चे होते हैं, मैंने यहां ऊपर ड्यू लिख दिया, तो भी वो एडवांस और एरियर ले लेंगे, मैंने जानबूझ के लिख दिया मत लेना। दूसरा, ये अजम्पशन आपको मिलेगी नहीं, अगर वो इंप्लॉय किसके साथ रहता है, अपने खुद घर पे रहता है या एक ऐसे घर पे जहां पे उसे रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, और अगर रेंट पे कर रहा है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ सैलरी, समझे। ये जो हमने 10% ऑफ सैलरी लिया था वो कितना आ रहा था, 1 लाख रुपए आ रहा था, ये जो आ रहा था ये कितना आ रहा था, 1 लाख रुपए आ रहा था 10% ऑफ सैलरी, और वो जो रेंट पे कर रहा है वो कितना है, 80,000 रुपए। तो भाई ये फिगर तो आपकी नेगेटिव आ गई ना, सेकंड वाली जो लिमिट है वो आपकी नेगेटिव आ रही है, एचआरए मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं मतलब कुछ भी पैसा आपका एग्जम नहीं होगा, जितना मिला वो सारा टैक्सेबल, जो मिला एचआरए वो सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो एचआरए एग्जम्प्ट कब होगा, एग्जम्प्ट कब नहीं होगा, ये अजम्पशन कब नहीं मिलेगी, अगर नॉट एक्सीडिंग 10%, अगर आप जो रेंट पे कर रहे हो वो आपका 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं है। तो हमारा रेंट पे 80,000 है और 10% ऑफ सैलरी 1 लाख, तो भैया 80,000 रुपए से ज्यादा तो है ही नहीं, तो फिर हमें एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो सारा पैसा टैक्सेबल हो जाए, ठीक। छोटी छोटी बातें थी इंपॉर्टेंट, वो बता दी आपको। उसके बाद एचआरए जो डिपेंड होता है वो कितने फैक्टर में डिपेंड होता है, सुनो, इतनी जोर से बोल नहीं पाऊंगा, एचआरए जो होता है 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, लिख लो 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एचआरए डिपेंड करता है। एक तो सैलरी है, दूसरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रेंट पेड और एचआरए रिसीव्ड। क्या मुझे बताओ इन फैक्टर्स के अंदर चेंज आ सकता है, इनमें से कोई फैक्टर चेंज हो जाए मीनवाइल, भाई आप तो ये मान के चलने वाले हो ना, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, आप तो ये मान के चल रहे हो 1/4/2020 और यहां 31/3/2021,
आप तो ये मान के चल रहे हो, क्या साल के बीच में सैलरी चेंज हो सकती है? यस। क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज हो सकता है? क्या फर्क पड़ेगा सर? अगर वो मेट्रोपॉलिटन है, केसीडीएम है, तो कहानी अलग है, वो 50% वाली है। और सर अगर वो अदर सिटी है तो वो 40% ऑफ सैलरी वाली कहानी में आएगा। क्या रेंट पेड चेंज हो सकता है? यस बिल्कुल, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। और क्या एच आर ए रिसीव्ड भी चेंज हो सकता है? वो भी हो सकता है। मीन वाइज कि भाई कंपनी की पॉलिसी हो कि हर साल के जब दिवाली का महीना होता है उस साल आपका एच आर ए बढ़ा देती है। तो अगर इन फैक्टर में चेंज आएगा तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फिर कैलकुलेशन कैसे करनी है? देखो कैसे करेंगे फिर कैलकुलेशन, तो यहां पे लिख लो, क्या था हमारे पास? चार फैक्टर हैं एचआरए के अंदर। वो चार फैक्टर आपको बताइए, सैलरी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रेंट पेड और लास्ट एचआरए रिसीव। शिखा ये आर जो लिखा है इसका मतलब रिसीव। तो ये 1/4/2020, 31/3/2021, प्रीवियस ईयर 2021। एक अगस्त को क्या हुआ? आपकी सैलरी में चेंज आ गया। यहां सैलरी क्या चल रही थी आपकी? 20,000 रुपये पर मंथ, 20,000 पर मंथ। यहां सैलरी क्या हो गया आपकी? इंक्रीज हो गई। कितने से? 5,000 से। 5,000 से आपकी सैलरी बढ़ गई। ये ऐसा वाला साइन करूं तो मतलब इंक्रीज होना, तो सैलरी बढ़ गई है 5,000 रुपये आपकी। इसका मतलब देखा जाए तो सैलरी कितनी हो गई है? 25,000। फिर ऐसा हो सकता है कि यहां 1 दिसंबर 2020 जो हमारा रेंट पेड था उसमें क्या आ गया? डेल्टा जहां लिखूं तो समझ लेना चेंज आ गया। और रेंट पेड हमारा कितना हो गया? पहले यहां पे रेंट पेड चल रहा था हमारा 6,000 रुपये गरीब आदमी पर मंथ। अब चेंज आ गया और जो चेंज हुआ उसके अंदर रेंट पेड बढ़ गया। कितने से बढ़ गया जी? 2,000 से पर मंथ। तो अब कितना हो गया होगा? 8,000। तो 8,000 रुपये पर मंथ हम लोग रेंट दे रहे। अब हमारे पास तो लिमिट तो 3 ही है, एचआरए रिसीव्ड, दूसरी लिमिट में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरी हमें देखना पड़ेगा मेट्रोपॉलिटन में है या अदर सिटी में। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो अदर सिटी, पर हम कह रहे हैं दिल्ली, दिल वालों की, तो भाई 50% सैलरी। मान लेते हैं सैलरी भी क्वेश्चन में गिवन है, वही सैलरी कितनी सैलरी बता रखी 20,000 रुपये पर मंथ है, तो वो आप मल्टीप्लाई करके और बाकी तो आप देख ही लोगे, मतलब सैलरी तो साल की आप निकाल ही लोगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, जब स्पेशल मीनिंग निकालो सैलरी का तो उसमें ये टाइम पीरियड अलग जाएगा भाई। जब स्पेशल मीनिंग निकालोगे ये टाइम पीरियड अलग जाएगा, फिर उसके बाद ये टाइम पीरियड अलग जाएगा। नहीं, ये तो पूरा ही एक ही चला जाएगा, पूरा एक चला जाएगा सैलरी में, तो उसके अलावा चेंज ही नहीं है। पर सुनो, बीच में रेंट पेड चेंज हो गया तो इसलिए रोकना पड़ेगा बेचारे, तू यहीं रुक, अभी एक और हिस्सा करना पड़ेगा, एक पार्ट, दो पार्ट और एक पार्ट और, तीन पार्ट में स्पेशल मीनिंग ऑफ सैलरी निकालना पड़ेगा पहले, और जो आपकी ये लिमिट है इसके भी 3 पार्ट करने पड़ेंगे। फिर वो तीनों पार्ट के अंदर
पैसा एग्जम्प्ट आएगा, पहले पार्ट में कुछ एग्जम्प्ट आएगा, दूसरे में कुछ एग्जम्प्ट आएगा, तीसरे में कुछ एग्जम्प्ट, तीनों को जोड़ना पड़ेगा कि इतना पैसा एग्जम्प्ट बना। हाँ, फिर वो तीनों का रिसीव्ड करके कि कितना रिसीव हुआ है चारे, फिर एग्जम्प्ट कितना हुआ, फिर जा। तो इतना अगर आ जाए टेढ़ा क्वेश्चन बाय चांस, पर इतना खतरनाक नहीं देंगे ना कि इतने सारे चेंजेस, वो बीच में साल में एक चेंज कर देंगे जिससे कि आपको बस दो पार्ट के अंदर करना पड़े और इजिली आप निकाल लो। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊं क्या, या होमवर्क दे दूं क्वेश्चन, है ना, होमवर्क दे देता हूं कि आप लोग एक बार घर से कर, है? कराना है, हाँ ठीक है, तो होमवर्क दे देंगे, आज असाइनमेंट मिल जाएगा, घर जाऊंगा तो वो प्रैक्टिकल के आपको नहीं निकालने प्रिंट आउट, वो तो बस क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आने, वो तो क्या है कि मैं एक अपनी तरफ से कि भी प्रैक्टिस हो जाए प्रोविजंस की, बाकी जो बुक मिलेगी उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन और ये प्रोविजन सारे लिखे हुए होंगे। चलो, तो ये कुछ नोट करने वाली बातें मेगा है यहां पर आर्यंस। पहला, एचआरए अलाउड नहीं होता अगर 115 बीएससी लेते हैं। दूसरा, देखो यहां पे भी 115 बीएससी, यहां भी 115 बीएससी और यहां भी 115 बीएससी, इसका मतलब ये बड़ी खतरनाक मैंने चीजें नोट लिखी है, किसी किताब में नहीं लिखा मैंने, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जितने ये पूरे अलाउंस का मैंने निचोड़ लिखा हुआ यहां पे, जहां लड़ाई थी 115 बीएससी से वो मैंने यहां पे डाली। किसके साथ लड़ाई थी? एचआरए के साथ, मतलब समझ गए, या तो 115 बीएससी लो या एचआरए का बेनिफिट लो। दूसरा देखो, तो यहां पे लिख लेना, यहां पे ये साइन बना रहा हूं तो नॉट इक्वल टू का साइन है, दोनों में से एक मिलेगा, ठीक, और अगर ये साइन नहीं बनाया तो मतलब कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। अगले उसमें करना पड़ेगा, देखो क्या कहानी, बड़ी खतरनाक कहानी, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, समझ गए, ट्रांसपोर्ट वाला तो वो था जो बंदा डिसेबल था, तो इसमें स्टार लगा के रखो कि ये डिसेबल है, इज अलाउड इफ, बड़ा खतरनाक, मतलब यहां पे इस अलाउंस के इक्वल 115 बीएससी है, मतलब कि 115 बीएससी ले रहे हो और हम आपसे इस अलाउंस के बेनिफिट विड्रॉ नहीं कर रहे, कितनी खतरनाक चीज दे दी। सर आपने यही क्यों लिखा, सीधे वो अलाउंस लिखते जिससे कि 115 बीएससी का बेनिफिट क्या हो जाए, मतलब वो वाले अलाउंस क्या हो जाए, विड्रॉ हो जाए। अबे नालायक, वो थे बहुत ज्यादा, ये थे कम, हमें करना है याद, तो ये याद कर लो बस। इसके अलावा और कोई अलाउंस होगा, इसके अलावा और कोई अलाउंस होगा और आप 115 बीएससी ले रहे हैं तो विड्रॉ हो जाएगा, पर इसके अलावा तो मैं बोलूंगा चार अलाउंस बोले, कितने बोले, चार। पहला देखो ट्रैवलिंग बोला है, दूसरा डेली, तीसरा कन्वेंस और चौथे में मैंने जानबूझ के स्टार लगा रखा है, वो ध्यान रखना, वो डिसेबल बंदा होगा तो उसके लिए चार, इन अदर केसेस तीन ही अलाउंस है, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस। अब था या नहीं था खतरनाक, तो मैंने इसलिए बनाया कि भाई ये याद कर लो कि इन वाले अलाउंस में 115 बीएससी कुछ मना नहीं करता, इसके अलावा कोई मिल जाए और आपने 115 बीएससी ले लिया, वो अलाउंस विड्रॉ, बाहर में गया फिर वो। पर ये तीन ऐसे हैं, ट्रैवलिंग, डेली और कन्वेंस, कैसे याद रहेगा, हम बाहर जा रहे हैं, दो केस में हम बाहर जा रहे हैं, एक केस में हम विद इन द सिटी हम लोग काम कर रहे हैं, कन्वेंस अलाउंस जो विद इन द सिटी आपको मिल रहा है, तो ऐसे याद रहेगा कि दो वो वाले केस हैं जिसमें हम बाहर गए थे, ट्रैवलिंग और डेली, और एक में विद इन द सिटी, कहानी खत्म। बंदा पर्सनली डिसेबल हो गया तो ट्रांसपोर्ट भी आ गया, नहीं छीन रहे उससे, देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, तो जिंदगी जी ले, इन चार अलाउंस के साथ अपनी जिंदगी जी, 115 बीएससी भी ले और साथ में इन चार अलाउंस का क्या कर, बेनिफिट ले ले। कौन कौन से अलाउंस है, बोली लगा दो, ट्रैवलिंग, ठीक, गुड, आगे चलते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओ भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, 115 बीएससी ले लिया ये नहीं मिलेगा। अगला भी, लीव ट्रैवल कंसेशन, अभी मैंने कराया नहीं, कराना है। अच्छा, मैंने अभी इंटरटेनमेंट भी नहीं कराया, एलटीसी भी नहीं कराया, प्यार से मैं से एलटीसी बोलता हूं, ये भी नहीं मिलेगा, तो बस वो बीच में एक ही था जहां बात बनी थी,
ठीक है, ट्रैवलिंग में, डेली में और कन्वेंस में, और पर्सन अगर डिसेबल होगा तो ट्रांसपोर्ट। समझ में आया या नहीं? अब जो मेरा चार्ट है, अब आप सोच सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी, किस किताब में, अपनी किताब देखना जाके, ओ भाई साहब आप पागल हो जाओगे, कोई चार्ट नहीं, इंस्टीट्यूट की किताब, कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कितनी मेहनत, बस ये तो मैं तो ऐसे थोड़े ग्राफिक मेरे को अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगती है कि हाँ भाई मन भी करता है। तो अलाउंस हमारा पहला डन है, प्रिस्क्राइब्ड के अंदर कितने थे, दो, एक ऑफिस, दूसरा प्राइवेट, प्राइवेट में चिल्ड्रन था, हॉस्टल था, ट्रांसपोर्ट था, अंडरग्राउंड अलाउंस था, और अंडरग्राउंड 800 रुपए आपको याद रखना, ठीक है, 1000 रुपए में 200 रुपए कम है। एचआरए डन, एचआरए का सेक्शन भी याद रखना, सेक्शन 10-13 कैपिटल ए, 13 क्या होगा कालिया, ठीक है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने लिखा है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो ये लेने जा रहे हैं, पर इससे पहले वो अलाउंस जो फुल्ली क्या है, टैक्सेबल, इससे पहले वो अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल। देखो मैंने ना चार्ट ही बना दिया सीधे, और आप तो लक्ष्मी नगर आते हैं, एक दुकान में घुस जाओ, मेरा नाम ले लो, सारी किताबें देख लो, कहीं ये चार्ट मिल जाए, आप मेरे को बता दें, नहीं मिलेगा, मेरे दिमाग की पैदाइश है ना भाई, मैंने बनाया है तो इसलिए कहीं मिलेगा नहीं। तो कई लोग तो क्या कॉपी पेस्ट का काम कर देते हैं, भाई ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेहनत की गई है। किसी पढ़े लिखे को दिखाओगे जिसको टैक्स आता है तो वो भी कहेगा मेरे को दे दे ये नोट्स, जैसे मैंने बताया तो वो लड़की सीए थी, सर्विस टैक्स के नोट्स ले लिए थे उसने, जॉब करती थी। तो ये कौन से अलाउंस करने जा रहे हैं प्रिया, फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंस करने जा रहे हैं। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता, ठीक है जी, महंगाई होती है उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो डीए पूरा टैक्सेबल है। सिटी कंपनसेटरी ये क्या होता है, पहले होता क्या है फिर उसके बाद पूरा टैक्सेबल है, होता क्या है, मुंबई एक ऐसी सिटी बेटा जहां पे रहना और खाना पीना बहुत महंगा है, आ गई बात समझ में, तो वहां सिटी, उस सिटी में क्या है अत्यधिक महंगाई हो गई, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे रहे हैं। दिल्ली में रहना भी सस्ता है आपको सच्चाई बताऊं, और खाना पीना भी सस्ता है दिल्ली में, तो आपको पता ही होगा ऐसी ऐसी जगह भी है जहां पे खाना भी अच्छा मिलता है और रेट भी सही होता है, फेमस है दिल्ली इसके लिए, है ना। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ठीक है ना, तो मेडिकल के लिए आपको पैसा मिल गया तो वो मेडिकल अलाउंस है। मेडिकल या हाँ यहां पे आगे लिख लेना, कई बच्चे गलती कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी लिख लेना, उसकी बात नहीं कर रहा, मेडिकल फैसिलिटी अलग होती है। जैसे आप कहां चले गए, जब बड़ी बीमारी होती है तो कहां जाता है, हॉस्पिटल, तो यहां बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा, छोटी मोटी बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, घर पे आपने ट्रीटमेंट कर लिया, कैसे कर लिया, दवाई ले ली, आपको पैसा भी मिल रहा है मेडिकल अलाउंस, महीने के आपको 1000 रुपए दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, बीमार होगा 1000 रुपए महीना खर्चा है तेरा, 12000 रुपए सालाना, तुम बीमार होते ही नहीं, पैसा बच गया, सरकार करिए इधर आ, पूरा टैक्स दे, फुल्ली टैक्सेबल। आपने कहा बीमार हुआ, वो कह रहे तो क्या हुआ, बड़ा तो नहीं हुआ, मेडिकल फैसिलिटी लेने तो नहीं गया था, समझे कुछ, आप समझे नहीं, लोग तो बोकस खर्चे दिखा के वरना एग्जाम करा लेंगे ना पैसे, इसलिए सीधे हॉस्पिटल का कर दिया, हॉस्पिटल का ऐसे बनेगा नहीं ना। फिर वो दिखाए जी ये देखो, और ऐसे अगर हॉस्पिटल करने लग गए तो भाई साहब हॉस्पिटल का लाइसेंस ही कैंसिल करो, मैं तो कह रहा हूं, असली में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है मेरे हिसाब से तो भाई। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि अगर मान लो कोई बंदे की एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसी टाइम वो बंदा जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए, ट्रीटमेंट करवाए, कोई फॉर्म की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, पर सब उल्टा होता है हमारे यहां, पहले तो अंदर नहीं घुसने देंगे भाई, ये फॉर्म भराओ, ये वो पता ना क्या क्या, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, वही वाली कहानी। तो कुछ दबंग लोग चाहिए आपके साथ उस टाइम पे, एमरजेंसी केस के अंदर वो दबंग लोग होते हैं जो बस एक बार बोल दे दूसरा बोलता ही नहीं, फिर कहानी करते मुन्ना भाई वाले नहीं ले भाई ठीक है आ जा लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, मुंबई में बड़ा टिफिन सिस्टम चलता है, बाकी हमारे सीपी में भी है, ठीक है जी।
उसके बाद ओवर टाइम, ओ भाई इनसे बड़ा दुखी रहते हैं एम्प्लॉय। कभी भी किसी एम्प्लॉय से पूछना है ओवर टाइम अच्छा लगता है, नहीं यार ओवर टाइम नहीं। देखो जिसने जॉब की है ना वो जानता है ये सब चीजें, तो मैंने की है तो मुझे पता है कि इससे प्यार नहीं होता। पैसे भले फालतू मिलते ना तो ये नहीं करना यार कौन। हाँ बस कहानी है, वो ओवर टाइम उल्टा, और ओवर टाइम में ही सारा काम करते हैं फिर, ये चक्कर है। सर्वेंट अलाउंस, ठीक है जी, आपको एक नौकर दे दिया, ठीक है आपने सुबह निकलना है तो आपके जूते से लेके कपड़े से लेके सब कुछ आपको मिलेगा, रेडी मिलेगा, ठीक है जी। वार्डन चौकीदार रख दिया तुम्हारे घर के बाहर कि हमारा एम्प्लॉई है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखभाल किया करो इसकी, कोई उठा ना ले जाए इसे। मुकेश अंबानी है ना, तो बाहर एक बॉडी गार्ड, ठीक है मूवी भी आई थी समझ गए, तो वही है ये भाई। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये बड़ा होता है, आप कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी हो आपको बोल देते हैं भाई बाहर कोई ऐसा मत कर लियो, प्रैक्टिस मत कर लियो कोई, वैसे करना अलाउड भी नहीं है पर मतलब किसी और को ना दे देना कोई काम, कंपनी का कोई काम निकला भाई चलो अच्छा हमारा ही रिलेटिव है ये है वो है उसको देते। मैंने कहा ना ये सब नहीं करना चाहिए, उसमें कमीशन ले ली ये वो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। भाई आप मेरे से नहीं पढ़ते, मान लो JIGL नहीं पढ़ते, टैक्स नहीं कुछ नहीं पढ़ते, आपका मेरे पास फोन आ गया एक महीने पहले, सर टैक्स में दुखी हूं कुछ हेल्प कर दो, तो मैं क्या कहूंगा उसको, भाई ये MCQ के नोट्स हैं ये ले ले और कुछ मेरी वीडियो डली हुई है वो देख ले, हेल्प कर दी उसे। उसने सर फीस, मैं भाई इस बात की कोई फीस नहीं है। और दूसरी बात सुन, अब तू मेरे से कह रहा है एक महीने पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले, तू मुझे फीस दे भी देगा तो पैसा यूज कहां कर पाएगा, यूटिलाइजेशन कहां होगा, कितना पढ़ लेगा, हम सोचो ना कितना पढ़ेंगे, इतना काम ऐसे ऐसे पढ़ाई होती तो हर बच्चा 1 महीने 15 दिन में क्लास लगा के खत्म। पढ़ाई तो Day 1 के साथ स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप ट्रायल में बैठे थे पढ़ाई पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। और कई बच्चे तो गरिमा को पता ही कि ट्रायल उनका ट्रायल ही चलता है 1 महीने तक, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमने 1 महीना, क्योंकि वो सोचते ना लक्ष्मी नगर है भाई यहां पढ़े 10 जगह और पढ़ लेते हैं, तो बस वो फिर टाइम अपना वेस्ट करते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग समझ के। डॉक्टर है अपोलो का, अब वो आपको बताइए होता क्या, उसने मैरिज किससे की होती है, वो भी डॉक्टर होती है, और बाहर वो पूरा क्लिनिक खुला हुआ है भाई, शाम को अलग बिजनेस चल रहा है सुबह अलग बिजनेस चल रहा है, पता ही आपको फिर डॉक्टरों ने कितने पैसे छापने। और आपकी मम्मी बताती थी कि पहले देखो जी ये 300 लेता था, फिर 400, फिर 500, फिर 600, अब 800 कर दिए, लो आने वाला टाइम आएगा 1000 रुपए, वही वाली कहानी। फैमिली अलाउंस, तो आपकी फैमिली के लिए फैमिली प्लानिंग करें, अलाउंस उसके लिए फैमिली अलाउंस, तो ये याद करने पड़ेंगे, क्यों फुल्ली टैक्सेबल है भाई, 1 रुपए नहीं छोड़ा सरकार ने इसमें डियरनेस। अब वही वाली बात, देखो महंगाई दिखा दी पैसा भी मिल गया पर फायदा क्या हो जब पूरा टैक्स ही लग गया। सिटी मेडिकल याद कर लेना, जहां जहां आप मजे ले रहे हो या आपसे कोई और मजे ले रहा है ओवर टाइम करवा के, सर्वेंट वार्डन नॉन प्रैक्टिसिंग फैमिली अलाउंस, ठीक है। कुछ इसका ना हम लोगों ने बनाया था DCMLOSWNF, अब पता नहीं बच्चों ने कुछ बनाया, DCM एक केस लॉ है असली में, दिल्ली क्लॉथ मिल्स का एक केस है, बाकी LOC आ नहीं रहा, ठीक है ना, और ये S मतलब वो सी नहीं आ रहा ना, और लास्ट में क्या है NF, बाकी आप लोग भी कुछ ना कुछ बना लेना जो भी है, मतलब आपको याद हो जाए बस, सीधी सी बात है यार, ठीक है, तो कोई नहीं ना बना लो बस, कुछ भी बताना मेरे को, किसी ने कुछ बनाया हो घर से बना के लेके आना, ठीक है, और मेरे को सुनाना है ये सारा, ऐसे आंख बंद कर लेनी है सर, अलाउंस 4 सर, एक 10-14 के अंदर है, 2 ऑफिस प्राइवेट सर, ऑफिस वाले ये 6 सर, प्राइवेट वाले 4 सर, HRA सर, एंटरटेनमेंट सर, आ गया फुल्ली, ठीक है, शिखा सुनाएगी, शिखा ने कसम खा ली अब तो। देखो यहां मैंने बता दिया ना 10-14 फुल्ली टैक्सेबल, DA ये सब लिख दिए यहां तक,
ये एक लाइन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद अगली लाइन में क्या आ गए, पार्टली टैक्सेबल। ये वाले जो हो रहे थे यूनिफॉर्म, ये सब पार्टली हो रहे थे, आप देख रहे होंगे, ठीक है, पढ़ लेना ये। और ये क्या आ रहा है, एग्जम्प्ट वाले। अब ये देखो, ये कुछ और भी आ रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे DTC, दिल्ली मेट्रो के लोग हैं, जो दिल्ली मेट्रो के एम्प्लॉई है, DMRC, तो इसके एम्प्लॉई है, उनके लिए पैसा कैसे एग्जम्प्ट होता है ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, इनका भी तो क्या होता है, घर, घर से ऑफिस, ठीक है ना, और ऑफिस से घर, तो इनको बोला गया 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना पैसा आपको मिल रहा है उसका 70%, और 10,000 रुपये पर मंथ। अब शायद आपका बचपन पता नहीं ऐसे निकला ही नहीं निकला, आप लोगों ने देखा कि लोग बस के अंदर स्टाफ चला रहे हैं, तो हमारा तो कॉलेज था तो भाई इसी में निकला, ठीक है, स्टाफ, कोई पैसे नहीं। और कहानी क्या, हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूं, अब होता क्या है कि आपके पापा DTC में काम करते हैं, और लड़की चढ़ गई या लड़का बस में चढ़ गया, हाँ जी स्टाफ, पापा का क्या नाम, ये बस का, तो DTC में भी नहीं ले रहे, बताओ, समझ गए, वहां तो बनता है ना, देखा जाए, क्योंकि वो तो भाई अलग से सरकार दे तो रही है तुम्हें पैसा, और तुम्हारे मतलब तुम तो चलाओ स्टाफ, ठीक है, तुम्हारा आई कार्ड बना हुआ ही है, तुम्हारे बच्चे, पूरी फैमिली, और कहीं तो ऐसे रिलेटिव, अरे अंकल जी काम करते हैं स्टाफ, कहानी का, ठीक है, बाकी कॉलेज वाले बच्चे बदमाशी से स्टाफ, RLA का स्टाफ, मोतीलाल ले भाई, ये कॉलेज के नाम है, हाँ ठीक है, कोई एनिमल नहीं है। उसके बाद ये आ गए, ये भी पढ़ लेना, कुछ नहीं है, ट्रिप अलग अलग, अंडरग्राउंड वाला आ गया, चिल्ड्रन यहां पे लिखा ही है, मतलब एक बार ऐसे दे दिया थ्योरी के लिए, देखो लिख दिया ना, ब्लाइंड के लिए था ये, तो एक बार पढ़ लेना। लास्ट में ये दोबारा से वही कहानी आ गई, 115 BAC वाली, रिपीट हो रहा है 115, पर फिर लिखना जरूरी था, कई बार बच्चा भूल जाता है, सर आपने यहां तो लिखा नहीं था, तो लिखना जरूरी था यहां पे भी 115 BAC भाई, वो ट्रांसपोर्ट वाले के लिए 3200 रुपए के लिए, कि नॉट इक्वल टू है। होली एग्जम्प्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, फुल्ली एग्जम्प्ट है भाई। और देखो कौन लोग, भारत सरकार, ठीक है जी, सिटीजन ऑफ इंडिया, IC का मतलब, और जा रहा है बाहर, याद आ रहा है कुछ, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, लिख भी लो यहां पे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, याद नहीं आया, सरकारी इंप्लॉय था, बाहर गया था काम से, गवर्नमेंट पैसा पे कर रही थी, हमने कहा था ये पैसा सैलरी में टैक्सेबल होगा, पर जो इसके अलाउंस होंगे वो एग्जम्प्ट होंगे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते। देखो आप चीजें भूल जाओगे, पर आपके सर को हर एक बात याद है, कहां पे क्या लिखवाना है सब कुछ पता है, वही वाली कहानी है बेटा, आप चीजें एक बार पढ़ रहे हो, यहां पढ़ते पढ़ते बस बुढ़ापा ही आने वाला है, बस वही वाली कहानी होने वाली है। जब मैं थर्ड ईयर में था, 2006 थर्ड ईयर के अंदर था, मैंने CS जो की है वो ग्रेजुएशन के बाद की है, मैंने डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के अंदर एंट्री ली, तो 2006 में हमारे उसमें क्या था, मतलब जब हम लोग DU से BCOM कर रहे थे, BCOM किया मैंने, ऑनर्स नहीं किया, जो किया वो किया, पता नहीं था ना, हमें क्या होता था ना, पढ़ाई से डर लगता था, सीधी सी बात है, कई बार बच्चे से सर पढ़ाई कैसे कर ली, अब डर ये ना, लोग ऐसे डरा देते हैं, CA ओ भाई होनी नहीं, CS तो सुना ही नहीं, CS तो सुना ही नहीं ना कहानी ये, और इसके अलावा कोई ऑप्शन क्या है, LLB कर लो, ओ भाई 5 साल लगाने ही नहीं, दिमाग देखो ना कैसा बना हुआ, आप समझ, कुएं के मेंढक हैं बस, वही पानी है तालाब का, और हम यही घूमते हैं, और यही हमें, हमारे लोग हैं, यही दुनिया है, वो समझ गए ना, वो चिड़िया एक बस पिंजरे के अंदर बंद है, वही उसकी दुनिया है, जब निकलती बाहर तो पता लगता आकाश कितना बड़ा है, मेंढक कुएं का जब बाहर निकलेगा भाई साहब, तब पता लगेगा कि क्या है। तो दिमाग हमारा ना थोड़ा शुरू से ही ऐसा बना, ओके, पापा भी कहते होंगे, मम्मी जितनी चादर उतनी फैला, भाई मुकेश अंबानी ने तो चादर बढ़ा ली और तुम ऐसे घर पे कहते हो मुकेश अंबानी बनेगी, अच्छा ठीक, बस वही मतलब लोग ना गिराने वाले ज्यादा, टांग खींचने वाले ज्यादा, ये नहीं कि अच्छा हाँ
मुकेश अंबानी बनेगी, हमें पार्टी दे दी। मैं तो यही कहता हूं, जिस दिन तुम करोड़पति बनोगे पक्का मेरा नंबर सेव रखना, नहीं भी हो तो गूगल में नाम डालना, आ जाएगा भाई, पार्टी के लिए बुला लेना मेरे को। भाई तुम करोड़पति बने हो यार, बनती है पार्टी, और टीचर को नहीं अपने गुरुजी को तो बनती है ना, फोन करके बुला लो, क्या दिक्कत है। नहीं आए वो अलग होती है बात, तुमने याद तो किया, प्रिया करी हाँ सर बुलाऊंगी जल्दी, बस। तो ये समझ गए पहले वाला गवर्नमेंट, ये देखो हाई कोर्ट का जज, ओ भाई देख लो ये सारे सरकारी अपने लिए काम कर रहे हैं, देख लो। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, सम्पिट्री अलाउंस, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस, क्या बोलते हैं इसको, इंटरटेनमेंट अलाउंस, भाई साहब ये इंटरटेनमेंट अलाउंस है, बताओ अपना ये हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, अलाउंस जो किसको मिल रहा है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है, जो भी अलाउंस मिल रहे हैं सब क्या है भाई, एग्जाम जी रहे हैं अपनी जिंदगी, कुछ सरकारी लोग हैं, कुछ कोर्ट के लोग हैं, कुछ यूएनए को लोग हैं, बस सिंपल याद हो जाएगा। पर इसे याद करना है क्योंकि पेपर में आ जाएगा। अच्छा पेपर में डालने के लिए अगर मुझे कहें कौन सा क्वेश्चन डालें पेपर में, तो ये वाला क्वेश्चन डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये 10-7 शायद भूल सकते हैं, है ना, कुछ बता दें सैलरी इतनी है वो सब दे दें, सैलरी बोनस है ना वो सब दे दें, और बीच में ये बता दे भी अलाउंस भी है उसके, तो अलाउंस वाला पार्ट एग्जम्प्ट है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो बस तो यहां पे अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी क्या रह गया, इंटरटेनमेंट वाला, बाकी सारा अलाउंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक बार रिवाइज कर लो सारा चार्ट के थ्रू। हाँ जो सैलरी मिलेगी वो टैक्स है, उसके अलावा जितना अलाउंस मिल रहा है सारा एग्जाम, कुछ लिमिट नहीं, लिमिट गई भाड़ में। 10-7 सेक्शन 10 का मतलब ही क्या, एग्जाम कोई लिमिट नहीं, बताओ कितने मजे ले गए। हाँ बिल्कुल। पर वो ये ना कानून बैठ के यही बनवा रहे हैं, कमेटी से पास यही करवा रहे हैं, क्या हमारे लिए तो बेनिफिट हो, वही वाली कहानी। अच्छा हाँ एक मतलब कई चीजें होती है, मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने न्यूज में देखा, एक दिन अगर आप मंत्री बन गए, एमपी एमएलए या सीएम कुछ बन गए, तो वो भाई साहब एक दिन के लिए भी बनाओ, पेंशन तो उसकी फिर आनी बताओ, पेंशन आती रहेगी, बना एक दिन के लिए था, आ रही सी बात समझ में। हाँ तो बस, तो अगला आ गया जी इंटरटेनमेंट अलाउंस, मार्क करें इसे, इंपॉर्टेंट, दुनिया हिला देगा ये, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा और अलाउंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास परक्विजिट्स। तो ये इंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलेगा, ओनली, सबसे पहले ही इसको मार्क कर लें कि ओनली गवर्नमेंट के लिए, बट उससे पहले कुछ लिखी है, इंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल एंड इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द सैलरी एंड देयर आफ्टर डिडक्शन। इसका मतलब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, कोई सा आदमी हो, पहले ये ग्रॉस सैलरी में, यहां वर्ड यूज किया देखो ग्रॉस सैलरी, पहले ये ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, तो पहले इसे ऐड करना है, और डिडक्शन आपको बताइए ग्रॉस सैलरी के बाद मिलती है, पर वो ग्रॉस सैलरी के बाद जो डिडक्शन मिलेगी वो ओनली गवर्नमेंट वाले को मिलेगी। इसका मतलब कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी में काम कर रहा है उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। लिमिट क्या है, 1/5 किसका, बेसिक सैलरी का 5,000 रुपए और जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड हुआ। तो प्रगति बेटा पहला वाला तो ऐसे ही रहता है, एचआरए रिसीव्ड, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, हर उसमें लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड, यहां पे भी कितना इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला। अच्छा एक बार क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि आरबीआई का एम्प्लॉई है, बच्चे सेंटी हो गए, हो जाते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भाई, स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन बेटा, स्टैचुरी गवर्नमेंट नहीं, स्टैचुरी अलग होती है, आरबीआई एक्ट बना हुआ है स्पेशल, तो वो स्टैचुरी हो गया, ये स्टैचुरी बॉडीज हो गई, आईसीएसआई स्टैचुरी बॉडी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। जितनी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है गवर्नमेंट है। फिर मेरे से एक बार बच्चे ने पूछ लिया सर हमें कैसे पता लगेगा, मैंने कहा भाई तूने तो टैक्स का पेपर देना है,
तो आर्यंस क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा गवर्नमेंट है, पर तू सेंटी मत हुई हो टैक्स के पेपर में। बाकी मेरी एक लाइन याद रख ले, कोई मिनिस्ट्री आ जाए गवर्नमेंट की, कोई सी भी मिनिस्ट्री, सारी गवर्नमेंट है। मिनिस्ट्री तो होगी गवर्नमेंट, वो थोड़ी ना प्राइवेट कर दे, मिनिस्ट्री प्राइवेट होने लग गई तो फिर तो हो गया फिर, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री सारी गवर्नमेंट है, तो ये आरबीआई कोई मिनिस्ट्री नहीं है, स्टैचुरी बॉडी है, अपना एक्ट बना हुआ है। ऐसे तो सीएस को क्या गवर्नमेंट कहने लग जाओगे? अच्छा तो कई लोग तो ऐसे कहने भी लग जाते हैं एसबीआई गवर्नमेंट है, एसबीआई एक्ट स्टैचुरी, वो क्या ना हमारे तो दिमाग में घुसाया हुआ है बस। पीएनबी में तो लिखा होता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट बैंक है पीएनबी, हमारी आदत ही है ऐसे, ये सरकारी है एसबीआई। ये रियलिटी एसबीआई तो क्या है, स्टैचुरी बॉडी है। पीएनबी क्या है, पीएनबी क्या चीज है, गवर्नमेंट बैंक है। अभी तो बोला गवर्नमेंट नहीं है वो बैंक, 51% से ज्यादा सरकार ने होल्ड किए, उसे हम बोलते गवर्नमेंट कंपनी है वो। अभी तुम लोग कंपनी लॉ के अंदर पढ़ोगे ये सब, ठीक है, कंपनी लॉ के अंदर आपको पढ़ना है, बाकी मेरा पार्ट नहीं है। आ जाए हम अपने टैक्स के अंदर। ये पहला पॉइंट पढ़ लो, कोई डाउट आए तो बताना, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लो। फ्राइडे को ही खत्म होगा भाई चैप्टर। तो मैं आज जीएसटी के लेक्चर शेयर करूंगा दो, ठीक है। आज से देखना, जिस सीक्वेंस में मैं भेजूं उसी सीक्वेंस में देखना स्टार्ट करें। अभी बस देखने, कोई नोट्स नहीं बनाने, मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, नोट्स बनाने लग जाना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पैसा आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है, हाँ जी, जो पैसा आप स्पेंड कर रहे हो, नो रेलेवेंस, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इररेलेवेंट है वो, ठीक है जी। बाकी तीसरे पॉइंट में कोई कहानी नहीं है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सीधे इसका एक क्वेश्चन करते हैं। और इसके बाद अगला पेज देखोगे तो वो परक्यूसिट्स का ही स्टार्ट हो रहा है। आज जो असाइनमेंट मिलेगा वो कंप्लीट करना है, एचआरए के क्वेश्चन होंगे, जो भी आज पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे।
वन फिफ्थ को 20% बोलेंगे ना, जो वन फिफ्थ इसमें लिखा है उसको 20% भी बोल सकते हैं ना। ये क्वेश्चन है, आपको खुद करना है, मैं आपको आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला। 4.10 एक्स एक एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जल्दी कर दो बस, 30,000 रुपये महीना बेसिक सैलरी, उसके बाद इंटाइटल है 1,500 रुपये पर मंथ इंटरटेनमेंट अलाउंस, कंप्यूट करना है आपको कितना पैसा इसको डिडक्शन मिलेगा। अच्छा लिखा है साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ही हुआ ना, गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लिया ना। निकालो बेटा कॉपी में, कैलकुलेटर लेके आना नेक्स्ट क्लास से, ठीक है सभी ने? गुड, क्या बात है, हाँ लेके आना। जल्दी करो, बस इतना सा ख्वाब है। जैसे रिजल्ट आता है कई बच्चे उसमें भी सदमे में रह जाते हैं हफ्ते भर, अरे भाई आ गया, अब तैयारी करो, कहानी खत्म। डन है, डन, निकल गया सभी का। करते कैसे हो पहले ये भी तो देखूं जरा तुम लोग। सबसे पहले प्रोविजन की लिमिटें लिखनी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड कितना है, ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। सीखा, ठीक है, गुड, लड़का हमारा बिल्कुल जोश में है आज। तबीयत ठीक हुई नहीं हुई उसकी, बात करो उससे, आपने दिसंबर देना ना, ठीक। बाकी उसके बाद अपना जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा उसके ग्रुप टू की तैयारी कर देंगे स्टार्टअप में। टॉट के भी नोट्स मिल गए थे ना, टॉट वाले, ठीक, कुछ भी ना मिले मेरे को व्हाट्सएप कर दिया। देखते हैं क्या आ रहा आंसर, पहली बारी में कोई सही निकाल ले तो बहुत बढ़िया बात है भाई, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। गलत आ जाए तो सीखने को मिल जाएगा और क्या होगा, और एग्जाम में गलती होगी भी नहीं, तो देख लेते हैं कि सही किया है या गलत किया है। ये देखो ये तीन लिमिट है, 18,000 बना और 72,000, 360,000 का 20%, 20% समझ गया ना, वन फिफ्थ का मतलब 20%, और 5,000 रुपए विच एवर इज लेस, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, 5,000 की। पहले ग्रॉस सैलरी में कितना ऐड होगा, वेरी वेरी गुड, यही सबसे खतरनाक थी बच्चे, 5,000 ऐड 5,000 लेस, पागल। नहीं 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 असली में मान लो कि आ जाए कि ग्रॉस सैलरी में कितना पैसा ऐड होना है, तो हमें 18,000 वाला ऑप्शन टिक करके आना है, क्योंकि हमें तो ऐसे कुछ करके आना नहीं है, सब्जेक्टिव है नहीं अपना प्रिया, तो हमारा जो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा वो लिख लो 18,000 रुपये, डिडक्शन जो मिलेगी वो 5,000 की मिलेगी सेक्शन 16(2)(i) के अंदर। हाँ जो भी आ जाए, वो तो पूरा क्वेश्चन
ये एग्जाम में मान लो आ जाए, बड़ा अच्छा है ये भी, एयर इंडिया लिखा हुआ है, पायलट है एयर इंडिया में। अब बच्चों को ना एयर इंडिया प्रगति आते ही बस गवर्नमेंट, एयर इंडिया भी गवर्नमेंट नहीं भाई, ये तो सरकार की जो एयर इंडिया है प्राइवेट कंपनी है। तो वही कहानी है ना, कहानी खत्म हो गई। सरकार की एयरलाइंस है ही कितनी, एक ही है बस, एयर इंडिया, कहानी खत्म। बाकी तो मतलब सरकार का पैसा लगा है उसमें बस, गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं, ये कहानी। तो ये हो गया जी हमारा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और असाइनमेंट मिलेगा प्लीज कंप्लीट करके आना, ठीक है, 8-10 बजे तक मिल जाएगा। हाँ शायद जाते ही, अब लैपटॉप खोल के यहाँ से मैं पहुँचता हूँ तो 8 बजे ही जाते हैं, और परक्विजिट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। JIGL का टेस्ट है भाई, RTI, बाकी क्लास तो है ही, मैं क्लास वो नहीं करूँगा, कहाँ गया है?